हमारी मौजूदगी ओराई प्रखंड के नया गांव में है, जहां पर देख सकते हैं बागमती नदी का उफान है। काफी ज्यादा लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत ज्यादा दिक्कत है सर, घर में पानी है, पत्ता लेकर के आ रहे बकरी के लिए, घर में पानी है पूरा भरा हुआ। चल के देखिए तो आप लोग रोड शो कर रहे हैं, यहाँ पे पानी ज्यादा भरा हुआ। हाँ पानी भरा हुआ, चलिए घर के अंदर देखिए, घर के अंदर देखिए ना भाई, पानी अभी और बढ़ेगा, बढ़ेगा एक हफ्ता और, पानी पूरा का एक हफ्ता और रहेगा जी, पूरा क्षति हो जाएगा। आलू अब लोग मानने लगेगा इस पंचायत में। अभी ऐसा मैंने देखा हूँ कि कुछ वार्ड में पन्नी का व्यवस्था हुआ अभी तक हम लोग को, और मैं खुद वार्ड मेंबर हूँ, मेरे वार्ड में एक भी पन्नी अभी तक नहीं पहुँचा। और हमारे वार्ड के ये है जिसके इसके आगे में पूरा पानी भरा हुआ है, इनको पन्नी की भी जरूरत है, खाने पीने में भी परेशानी है। मैं अभी तक यहाँ का मुखिया हो या प्रशासन हो, कोई भी नहीं आया और कोई जायजा भी नहीं लिया। क्या दिक्कत हो रहा है? हमको ये दिक्कत हुआ है कि यहाँ से जो आदमी सबको जिता देते हैं जो भी होता है, लेकिन जीत के तो जाता है लेकिन इस तरह मुड़ के नहीं देखता। मुड़ के इसलिए नहीं देखता है कि औराई प्रखंड है, या औराई प्रखंड को जितना जानता है नया गांव पंचायत औराई प्रखंड जो है सो जितना जानता है, लेकिन औराई प्रखंड का विकास करना नहीं जानता है, नहीं जानता है। इसी राहत सामग्री से मिली है कुछ? जी राहत सामग्री हमको कुछ नहीं मिला है, अभी कुछ नहीं मिला है। हम लोग जो है ना सो पानी में डूब रहे हैं और उसके ऊपर से कुछ नहीं मिला अभी तक। हम तो देख सकते हैं बागमती नदी का ये कितना ज्यादा विकराल रूप है। क्या दिक्कत हो रहा है? सबसे बुरी बात तो हम ही लोग है, मगर पानी में डूब रहे हैं, बकरी उकरी छटा रहा है, घर में खाने के लिए नहीं है, गरीब आदमी का कोई नहीं देखने आता है। देख सकते हैं ये कितना ज्यादा जो रोड है वो टूट गया है पानी की लहर से, बागमती नदी का ये पानी है। और थोड़ा तस्वीर दिखाएंगे आगे की, जहाँ पर कितना ज्यादा विकराल रूप ले चुका है नदी। और हम चलेंगे पानी की तरफ, जहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ज्यादा ये लहर है इसमें, अगर कोई सही से खड़ा ना हो पाए तो वो दहला जाएगा, बहुत ज्यादा डरावना भी है। और अभी काफी तेज लहर है इसकी, और आपको बता दें कि ये पानी अभी और बढ़ेगा। हम अपने कैमरा में से चाहेंगे कि इस टाइप की तस्वीर दिखाई है, पूरा गांव डूब चुका है और ये पानी जो है अभी और बढ़ेगा। ये तस्वीर देखेंगे कि जहां बागमती नदी का कहर है और पूरी तरीके से ये नदी पूरे गांव को अपने अंदर ले चुकी है, पूरा गांव अभी डूबने की कगार पे है। ये तो कुछ नहीं है, अभी एक सप्ते के बाद जो है सो ये नदी और ज्यादा पानी छोड़ेगी और इस नदी के कारण आसपास का जितना गांव है वो सब डूब जाएगा। मुजफ्फरपुर से लोकल 18 के लिए ऋतुराज।